वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 71 डिस्कस करेंगे, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स डिस्कस होती है। तो अगर किसी को कोई चीज़ मिलती है, जैसे एक पर्सन की कोई चीज़ गुम हो जाती है और वो किसी दूसरे शख्स को मिलती है, तो जिस शख्स को वो चीज़ मिलती है उसे फाइंडर ऑफ गुड्स कहते हैं। अब फाइंडर ऑफ गुड्स बेसिकली वो पर्सन होता है जिसको दूसरे की चीज़ मिले और वो उसको अपनी कस्टडी में ले ले, और फिर लॉस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करता है, जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली ये जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, इसका ओरिजिनल ऑनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता, लेकिन लॉ उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन डिफाइन कर देता है जो उसको पूरी करनी है। उन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके ऑनर को ढूंढने की कोशिश करनी है। तो ये लॉ जो ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट से मिलती जुलती होती हैं, ऑब्लिगेशन रिजेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाई कॉन्ट्रैक्ट। इनको कासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स को अब हम डिस्कस करेंगे। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी। दोनों चीज़ें हैं, एक तो उसे चीज़ें मिलें और वो उनको अपनी कस्टडी में ले ले। इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। अब लॉ में बेली का कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है और उसमें डिफाइन किया हुआ है। उसमें जो जिस पर्सन की चीज़ होती है उसे बेलर कहते हैं, और जो जिस पर्सन के पास वो अमानतन रखवाई जाती है उसे बेली कहते हैं। बेली की जो उर्दू में तर्जुमा है वो बड़े डिफरेंट हैं। जामिन भी इसका तर्जुमा है, मुहाफिज भी है, और नाजिर भी है। डिफरेंट उर्दू के भी मुश्किल लफ्ज हैं इसके अंदर यूज में। इन शॉर्ट आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेली एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो दूसरे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, दूसरे की जो चीज़ें हैं, उनका ख्याल रखे, उनकी केयर करे। तो उसको आप बेली इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फाइंडर ऑफ गुड्स को कि लॉ के अंदर वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो एक बेली की होती हैं, विच मीन्स कि ही इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसिस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स। यानी अगर आपको किसी का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि किसी की एक डायमंड रिंग मिल जाती है, तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप उस डायमंड रिंग का भी उतना ही ख्याल रखें जितना अगर आपकी अपनी डायमंड रिंग होती तो आप उसका सिमिलर सर्कमस्टांसिस में ख्याल रखते। फर्दर एक तो ये कि उस चीज़ का ख्याल रखना होगा उसे, दूसरी ये कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो रीजनेबल स्टेप ले कि उसके ऑनर को ट्रेस करे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो उसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जी बच्चे खेलते हुए कहते हैं कोई चीज़ मिले तो कहते हैं जी उठाकर 3 मरतबा ज़ोर ज़ोर से बोलो कि किसकी है। अगर कोई ऑनर आ जाता है तो ठीक, नहीं आ जाता तो वो चीज़ आपकी हो गई। तो लॉ के मुताबिक ऐसा नहीं है। आपको उसके ऑनर को ढूंढने के लिए रीजनेबल स्टेप फॉलो करने चाहिए, और वो रीजनेबल स्टेप जो हैं, हाँ कुछ सिचुएशन जैसे एक इवेंट हो रहा है, पार्टी हो रही है और उसमें कुछ लोग मौजूद हैं, तो आप कहते हैं कि किसी इन्हीं पार्टी में से लोगों की चीज़ होगी तो वहाँ पे आप अनाउंस करके भी ऑनर ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऑनर को ट्रेस करने के लिए इससे ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। और अगर वो ऑनर को ट्रेस नहीं करता तो वो गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ द प्रॉपर्टी होगा, कि उसने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी जो है, वो जिस तरह एक चोर किसी और की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेता है, ये बिल्कुल उस तरीके से रॉन्गफुल कन्वर्जन समझी जाएगी। उसको फिर ओरिजिनल ऑनर को उस प्रॉपर्टी के लिए कंपनसेट भी करना पड़ेगा। कुछ और सेक्शंस भी हैं जो इसकी सपोर्ट में फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो ज़्यादा सेक्शन हैं, लेकिन हम दो मेन पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक ट्रू ऑनर नहीं मिलता तब तक फाइंडर ऑफ गुड्स का राइट टू रिटेन होता है। यानी वो गुड्स रिटेन कर सकता है, किसी और को देने से इनकार कर सकता है। उसकी सिर्फ ये ऑब्लिगेशन है कि जब ट्रू ऑनर मिल जाए तो वो फिर उसको डिलीवर कर दे, लेकिन वो उसको जो डिलीवर करेगा उसके वो उससे लॉफुल चार्जेस रिकवर कर सकता है। तो अ फाइंडर ऑफ गुड्स मे सेल द गुड्स व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। अब जैसे किसी से रिलेटेड आपको फ्रूट या इस तरह की चीज मिल गई है तो वो तो खराब हो जाएगी, उसको बेच सकते हैं, या फिर तब जब लॉफुल चार्जेस जो ऑनर को ढूंढने के थे वो 2/3 और मोर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स हो गए। कि गुड्स जो हैं वो आप कहते हैं कि 30,000 की हैं और ऑनर को ढूंढने के अंदर अब तक जो है वो 20,000 से ऊपर का एक्सपेंस लग चुका है, तो अब आपको उस चीज़ को सेल कर देना चाहिए और उसके जो अपने खर्चे जितने पैसे हैं वो रिकवर कर लें, और बाकी पैसे आपको संभाल के रखने चाहिए। जब भी ट्रू ऑनर मिल जाए तो वो बाकी पैसे आपने उसको देने हैं। तो 2/3 और मोर जब एक्सपेंस लग जाए तो फिर उस चीज़ को सेल किया जा सकता है। फर्दर ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि जैसे किसी का अगर कोई पेट वगैरह है, जैसे डॉग है, हॉर्स है, वो अगर गुम हो जाता है और किसी को मिलता है तो जाहिर बात है उसको खाना वगैरह भी खिलाएगा, तो उसके खर्चे भी होंगे। तो जब ट्रू ऑनर मिल जाता है तो उससे वो एक्सपेंसेस रिकवर किए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बेसिक सी। अदील फाउंड
A diamond ring at wedding reception of Bilal. Adil told Bilal and other guest about it with an intention to find the true owner. तो यही करना भी चाहिए था. If he is not able to find the owner, he can retain the ring as bailee. As bailee का मतलब ये है कि उस चीज को उसे ख्याल से रखना होगा, खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जब भी उसका true owner मिल जाए तो उसको verify करके वो ring deliver कर देनी चाहिए. तो रीजनेबल स्टेप्स कुछ तो उन्होंने ले लिए हैं, लेकिन फर्दर रीजनेबल स्टेप भी ऑनर को ढूंढने के लिए किए जाएंगे. एंड ही वुड हैव टू टेक केयर ऑफ दोज गुड्स दो दैट रिंग लाइक वो अपनी चीज़ की करता, और उसको खुद पर्सनल चीज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा. तो ये हमारा सेक्शन 71 का कॉन्सेप्ट था. दैट्स ऑल फॉर टूडे. हैव अ गुड डे.